हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एस बेसिक। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। टू डिस्क ऑफ सेम मास एंड सेम थिकनेस, इम्पॉर्टेंट है, सेम मास एंड सेम थिकनेस, हैव डेंसिटीज एज 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट देयर सेंट्रल एक्सेस, सेंट्रल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपसे पूछा है, कैसे करें देखते हैं। देखो, टू डिस्क है हमारे पास, एक डिस्क ये है और इसकी जो थिकनेस है वो ये मैंने थिकनेस बना दी, ये थिकनेस है और ये डिस्क आपका, ये इसके अबाउट सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिस्क के सेंटर से पास हो रही है प्लेन के परपेंडिकुलर। मान लो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सिया 1 है, रेडियस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो रेडियस लेट कर ली मैंने इसकी R1। मास सेम है और थिकनेस भी सेम है। मेरे पास ये दूसरी डिस्क है ये रही, लेकिन रेडियस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन थिकनेस सेम दे रखा है, ये थिकनेस सेम है ऐसे, और इसका भी मास एम ही है, इसका भी मास एम था और थिकनेस इसकी भी टी है। रेडियस की कोई जानकारी नहीं, तो लेट कर ली रेडियस R2 है और इस एक्सिस के अबाउट सेंट्रल सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया I2। जैसा कि मैं जानता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया का जो फॉर्मूला होता है डिस्क के अबाउट I1, वो होगा हाफ मास इंटू रेडियस का स्क्वेयर। डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है वो हाफ एम आर स्क्वायर होता है। इसका कितना होगा फिर, I2 इज इक्वल टू हाफ एम इंटू R2 का स्क्वायर। और इन्हीं दोनों मोमेंट ऑफ इनर्सिया का रेशियो पूछ रहा है हमसे, I1 अपॉन I2, तो एम से तो एम कैंसिल हो जाएगा, हाफ एम R1 का स्क्वायर ओवर हाफ एम R2 का स्क्वायर, ये कैंसिल, R1 का स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें रेडियस की, दोनों डिस्क की रेडियस के बारे में जानकारी नहीं दे रखी, लेकिन डेंसिटी दे रखी है दोनों की, कि इसकी डेंसिटी डिस्क की ρ1 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है। इसका मतलब दोनों डिफरेंट मटेरियल के बने हैं, ये दोनों डिस्क डिफरेंट मटेरियल की हैं, है ना, ठीक है। तो देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम लिखे हैं तो जानते हो क्या लिख सकते हो आप, चलो अभी लिख देता हूँ पहले यहाँ पे वॉल्यूम। तो दोनों डिस्क का मास कैसा है, सेम है, M1 और M2 इक्वल है M के बराबर, ये गिवन है। तो अगर मैं यहाँ से मास निकालूँ तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी रो, वॉल्यूम लिख सकते हैं हम एरिया इंटू थिकनेस, डिस्क के एरिया में थिकनेस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा डिस्क का। वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, एरिया की मीटर स्क्वायर और थिकनेस की मीटर, ठीक है। तो ऐसे, और एरिया लिख सकते हैं हम रो डिस्क की रेडियस पाई आर स्क्वायर, डिस्क का जो एरिया होगा वो सर्कुलर डिस्क है तो पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, इंटू थिकनेस, तो मास इतना लिख सकते हैं हम बेटा। अब हम डिस्क 1 के लिए लिखें तो सारी चीजें डिस्क 1 की, तो डिस्क 1 का मास लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे, तो डेंसिटी डिस्क 1 की M1, पाई रेडियस R1, थिकनेस टी इक्वल टू, अब ये सेकेंड डिस्क का मास है, इक्वल है ना मास, सेम मास, तो मैंने दोनों डिस्क का मास इक्वल किया है। ये एम पहले डिस्क का लिख रहे हैं तो सारी चीज़ें फर्स्ट डिस्क के लिख रहे हैं, ये सेकेंड डिस्क का लिख रहे हैं सारी चीज़ें डिस्क सेकेंड डिस्क का लिख रहे हैं। यहाँ से डेंसिटी सेकेंड डिस्क की ρ2, पाई एरिया रेडियस R2 का स्क्वायर और थिकनेस सेम है, थिकनेस क्वेश्चन में सेम दे रखी है, सेम थिकनेस, ठीक है। तो थिकनेस से थिकनेस कैंसिल हो गई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर निकाला तो ρ2 अपॉन ρ1, ये क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम अगर मैं थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को देखूँ, देखो यहाँ पे ये R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर है, वो I1 अपॉन I2 के इक्वल है, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर, और इसकी देखो मैंने वैल्यू निकाली है, ये ρ2 अपॉन ρ1 के बराबर है, इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं हम I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू ρ2 अपॉन ρ1, और ρ2 हमें रखा है कितना, 51,
और रो वन दे रखा है 17, तो इसकी वैल्यू है हमारी 51 और इसकी वैल्यू है 17। 17 से काट दिया 3:1, तो I1:I2 जो आया वो 3:1 आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूल समझ में आया होगा। इसका जो चॉइस है वो सी है, 3:1। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।